अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखते हैं कि हमारे बेल के जो हमने बीज लगाए थे वो कितने बड़े हो गए हैं। तो आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये बेल लगाई थी, आपको बताया था, और इसके बीज लगा दिए थे। और अभी भी मैं देख रहा था कुछ सूखे सूखे बीज हों, तो इसमें बीज अभी निकल नहीं रहे हैं इस तरह से। अब ये देखें सारे हरे हरे हैं। अब जो सूख जाता है ना, उसके अंदर से ना वो फटता है और फिर बीज निकलते हैं। कुछ फट चुके हैं और बाकी सूखे सूखे नहीं हैं, सारे जो है ना बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं। तो ये देखिए इतने सारे माशाल्लाह से इस पर लगे हैं, वो पूरी ये भरी हुई है। और ये जो बेल है ना, ये बहुत मजबूत भी है। इसके अलावा ये तकरीबन दो से तीन साल में आप समझ लें ये इतनी बड़ी हो गई कि ये पूरी जगह कवर की थी। इसने इसको हमने काटा भी था, ये हमारी टंकी पे चली गई थी, ये इसने ये जगह कवर की, पूरा ये एरिया आप देख सकते हैं इसने साया कर दिया। इतना साया है कि यहाँ पे ना घास नहीं आती, धूप ही नहीं आती सही से। इधर से धूप आ जाती है लेकिन बाकी जगह कवर की हुई है इसने, तो धूप इतनी नहीं आती, तो इस वजह से यहाँ पे घास भी नहीं है। एक हिस्से पे घास है, एक हिस्से पे नहीं है। तो आए अब देखते हैं इसके जो बेबीज प्लांट है ना वो कैसे हैं। तो चलें गाइस, आपको हम लेके चलते हैं इस जगह पे। ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें जो है हमारी चिड़ियों ने खा ली। तो अल्लाह करे यहाँ पे भी हो कुछ। आए बहुत सारे गायब हो गए, देखें सारे गायब हो गए यहाँ पर। और एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, ये गंदा सा है ना इसलिए चिड़ियों ने नहीं खाया हुआ। ये निकला हुआ है, ये भी गंदा सा इसलिए नहीं खाया, इसको गंदा ही रहने देता हूँ, अगर साफ होगा नहीं खा जाएंगी। और कोई भी नहीं है, इतने ज़्यादा लगाए थे मैंने। एक ये निकल रहा है इसमें से, देखें ये इस तरह से निकल रहा है। तो ये बचे हैं बस, बाकी सारे चुड़ियाँ खा गई हैं। तो अब क्या पछतावा होना जब चुड़िया चुग गई खेत। अब आप देखें ये बेल इस तरीके से जा रही है, और ये यहाँ से इस नीम के दरख्त को पकड़ते हुए यूँ गई। सही है, नीम के दरख्त को इसने पकड़ा हुआ है ये वाले डंडे से ना, ये देखें ये वाली जगह है, इससे इसको पकड़ा हुआ है और वहाँ गई। अब ये इस तरफ भी फैल ली है इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसके ऊपर भी आ जाएगी। ये मोर की आवाज़ है हमारे। असल में होता ये है कि यहाँ पे चुड़ियाँ बहुत होती हैं। ये पूरे जो बेल है ना, इसके अंदर पूरी जगह पे चुड़ियाँ रहती है। अब इन्होंने चुड़ियाओं ने अपना घर बनाया हुआ है इस जगह पे। तो अब जब घर बना हुआ है तो उनको खाना पीने के लिए नीचे आना पड़ता है। वो घास खाती हैं, तो उन्होंने घास खाते खाते इन्होंने ये पत्ते खा लिए, हमारे धनिया पुदीना खा लिया। चलो कोई बात नहीं, इससे हमें ये समझ आ गया कि बीज जो है वो आराम से लग सकते हैं, और किस तरह से लगेंगे नॉर्मल उसको डाल दो। सही, अब आपको दिखाते हैं हम चूज़े। ये देखें हमारे, इसका नाम मैंने रख दिया जैस्पर। अब जैस्पर बहुत बेचैन रहता है ना, अब हम डालते जाते। तो आओ बच्चों खा लो, शाबाश। इनको हम अंदर रख देंगे, और ये आज ही गंदगी हुई है, फिर रोज़ाना की रोज़ाना साफ होती है। कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने कि हम इसको खाना वाना सही नहीं देते, खाना वाना सब देते। और ये बोटियाँ छोड़ो, ये चाली खा लेगा, चाली खा लेंगे। तुम लोग चावल से अपना पेट भरो ना। सही है, अब ये ख़त्म करो फिर बाकी बात करेंगे। तो भाई हमने एक का नाम तो रख लिया जैस्पर, बाकी दो बड़ों का नाम आप लोग सजेस्ट कर लें या फिर मुझे सोचना पड़ेगा। कैसे हो, इधर मुँह तो कर लो, पानी में चले गया स्विमिंग करने। अच्छा, आज हमें ये भी करना है कि हमें मुर्गियों को चेक करना है तमाम, कि कोई बीमार तो नहीं है, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया सही से चेक नहीं किया। तो हर किसी को चेक करना पड़ता है असल में ना, कि कोई बीमारी तो नहीं है। ये हमारी चेरी यहाँ पे पड़ी हुई है सुकून से, इसके पिंजरे में कल ज़रा सा तामीराती काम करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे बाकी बच्चे, भाई दिखाओ कोई वीक वीक तो नहीं है, कोई तुम में से ऐसा सुस्त दिख रहा हो मुझे, तुम ठीक हो? इधर आओ, तुम आओ। नहीं नहीं कुछ नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा ना, बस ना ज़्यादा बोलो नहीं, कुकु 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 कुकु। ये देख कितना प्यार लगता है वाइट वाला, माशाल्लाह से सारे सही है। ये वीक लग रहा है, इसको देखता हूँ। वीक नहीं है ये, वीक नहीं है असल में। इसके साथ जो है ना क्रॉसिंग वगैरह करते हुए ना इसके बाल थोड़े घड़े होंगे, बाकी एक तरबूज वगैरह खाते हैं ना, तो इसलिए इनके बाल ऐसे हुए हैं आजकल। तो ये वीक वगैरह तो नहीं है बिल्कुल, ये इनके लिए सब्जियाँ रखी हुई हैं, फल रखे हुए हैं, इसने तो ऊपर से बना लिया पुल जाने का इधर से उधर। हाँ भाई तुम यही कर लो, क्योंकि नीचे चेहरी होती है, डर हो गई है थोड़ी। इनका ये पानी रखा हुआ बहुत सारा, और ये घास है, और ये हमारी सिल्की देखें कितने मज़े से खाना खा रही है, और मज़ा आ रहा है तुमको। सलाम करते हुए आपको जैसे मिलवाते हैं, देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। चार्ली कैसे हो, ठीक हो?
चार्ली कल सुबह हमसे सुबह शहरी में बहुत नाराज़ हो गया था, तो क्यों नाराज़ हो गया था उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं एक शॉर्ट बना के डालूंगा, मैंने बनाई भी है। अब तो दोस्ती है ना, अच्छा बच्चा था बस। तो अब चलते हैं हम जैस के पास। हाँ भाई जैस किधर हो? आओ, आज हमारे पूल का हम पानी भी हमने सुखवा दिया और ये देखो पानी सूखा हुआ है। अब कीचड़ जब बन जाएगी ना इसको हटाएंगे हम। और ये हमारा जैस है। जैस, हेलो जैस, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जैस ठीक है बिल्कुल। इसके पेट से ही पता चल रहा है इसको, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी तो निकली हुई है, इसकी तो निकली हुई है। कपड़े नहीं खाओ, गंदे होते हो तुम लोग। चलो, तो इसका मतलब है जैस बिल्कुल ठीक हो गया है। मुँह गंदा है तुम्हारा, पीछे रखो अभी। अभी जब मुँह धुलाऊँगा ना इसका, तब इससे बातें करेंगे। और हमारी टर्की भी थोड़ी सी बीमार हुई हुई थी, उसको भी देखते हैं ज़रा। तो भाई मैं आपको बीमार वाली टर्की दिखा रहा हूँ, ठीक हो गई। अब देखेंगे इनमें से ये जो पीछे चल रही है ना वो ठीक हो गई है। आई, इसका मतलब है तुम ठीक हो गए, इसलिए ज़ोर से टक्कर मारी, बदतमीज आदमी। हाँ तो ये देखें माशाल्लाह ठीक हो गई है। थोड़ा सा इसको हाँ पर प्यास वगैरह लग रही होगी, पानी पिएगी सही हो जाएगी। तो हमने इसको भी ठीक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या, बेशक अल्लाह ने किया। तो हम तो एक ज़रिया है बस। ये है कि मैंने देख लिया कि डॉक्टरों के पास ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जानवरों के डॉक्टर भी सबसे ज़्यादा बेकार। अरे नहीं करो तुम मुझे, जैसे मैं बहुत मारूंगा पकड़ के। ये देखें ये क्या हरकतें हो रही हैं इनकी। एक ऊपर चढ़ गई है, ये मस्ताती रहेगी, और उसके नीचे ये खड़ा हुआ है। बस फिर से आ गई है शोर मचाने। चुप हो जाओ। हमारी बेल यहाँ पे पहुँच गई है और ये जा रही है ऊपर इस पर। तो इसके ऊपर जाए उससे पहले मुझे इसको काट के रोकना है। अगर नहीं काटूंगा तो ये पूरी जाली नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसका बहुत वज़न हो रहा है। ये डंडा देखें आप, ये सीधा था पहले, अब टेढ़ा हो गया ये। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ना बेल की वजह से ख़राब हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा आगे की तरफ से ताकि सही हो। और फिर जाली को सही से लगाएंगे यार, जाली उन्होंने सही से नहीं लगाई थी तभी ये इतना गिरना शुरू हो गई जाली। अगर सही लगाते ना तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। तो गाइस अब हमने चार्ली के लिए पानी भर लिया है और चार्ली को पानी वानी देते हैं, क्योंकि चार्ली असल में ना पानी गिरा देता है। पानी दिया था वो गिरा देता है, उसको गर्मी लगती है गिराता है, उसके ऊपर लेट जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।